किया कि एक साल के अंदर हम 5 लाख लोगों को रोजगार दें। अब नौजवान भ्रमित होगा कि नहीं, आज पूछिए किसी नौजवान को रोजगार मिला है क्या? बोला किसानों को हम 2 लाख रुपए तक ऋण होगा, ऋण माफ कर देंगे। किसान तो उसके तरफ जाएंगे ही, जब किसान से पूछे किसी को ऋण माफ हुआ है क्या? तो दिभ्रमित करने का काम किया जिसको हम जनता भ्रमित हुई। लेकिन आज मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं, घूमने के बाद ये अंदाज हुआ, ये एहसास हुआ कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा आकर्षित है पिछली सरकार और मोदी जी के सरकार के विकास के कारण। आपने पिछले सरायकेला में आपने कहा था कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है सर, मैं आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, अभी भी दोहरा रहा हूँ। इतनी बड़ी हार की वजह कि कोल्हान में आप एक हार तो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि इन लोगों ने मेरी लाल के हसीन सपने जनता को दिखाने का काम किया, जनता को दिभ्रमित करने का काम किया, आदिवासी समाज में घुस करके ऐसे कई चीजों की गलत भ्रामिक किया। लेकिन हम चीजों को ठीक करेंगे, इसीलिए तो हम सब लोग मिलकर ठीक करेंगे, चाहता है कोई पूर्ववर्ती सरकार से नहीं गलती। आज जनता से पूछ लीजिए आप, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि आप गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान के जाके पूछिए, आज वो कहेंगे इससे अच्छी बीजेपी की सरकार। मोमेंटम झारखंड में सर कितना, एक चीज और, आपने किसान बिल का इतना अच्छा विश्लेषण किया ठीक है, लेकिन सर आपके अपने पार्टी है अकाली दल क्यों छोड़ दिए सर? क्योंकि अकाली दल का मंडियों में आय के स्रोत है, से ये एहसास हुआ कि एकजुट होकर के एकमुश्त होकर के संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद हम पुनः अपनी पताका को कमल फूल को खिलाने का कला। मैं कोई पब्लिक नहीं, पब्लिक के मन में कि बाबूलाल मरांडी जी को स्वागत किया गया, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्वागत कर रहा है और अर्जुन मुंडा जी को भी सम्मान मिल रहा है, इसलिए ये बात आपके मन की बात होगी। जनता और अर्जुन है क्या जी ने पूछा सवाल, जी इस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, नहीं जब उनके जाना उनकी नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है इसलिए उन पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। आप सरकार कब गिरा रहे हैं? आप देखते जाइए, सरकार जनता गिराएगी, जनता सरना बिल पर पार्टी क्या स्टैंड रहेगा सर? सरना बिल सरना के सबसे नजदीक भारतीय जनता पार्टी, सरना को वोट की बैंक भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, सरना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में भी है। तो हम सब लोग मिलकर के सनातन समाज और संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। सवाल है कि क्या विपक्ष का नेता बंदे की भाजपा मरांडी जी को लेकर जिस तरह से पेश पसाया? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता में के रूप में बाबूलाल मरांडी जी का नाम तय किया, वही हमारे लिए विपक्ष के नेता है। अभी विपक्ष पर हम आप लोग अडिग हैं? अभी क्या, हम लोग हमेशा अडिग रहेंगे जब तक ये स्पीकर को सामने कर रख करके राजनीति करने का जो काम किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी के प्रश्न आपने पूछा है तो सुनी लीजिए पूरी बात, अच्छे कुछ अच्छी बातें हैं तो दूसरे से लिया जा सकता है, आपसे अच्छी अगर कुछ बातें आएंगी तो उसको हम स्वीकार करेंगे कि नहीं? सेवन इसी में जो इसी में राष्ट्रीय सेवन इसी में जो पदार्थ है उनके जमाबंदी की अब छूट दे रहे हैं, स्टोरेज किया जा सकता है। जिस देश में इतना भ्रष्टाचार हो, इतनी अराजकता हो, वहाँ इस तरह की जमाखोरी की इजाजत देना क्या संकेत कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपका प्रश्न तीन है, एसेंशियल्स कमोडिटी कमोडिटी एक्ट कब का है? 1935 का, उसमें कुछ संशोधन 1951 में हुआ। उस वक्त क्या था, उस वक्त क्या था कि अनाज की कमी इस देश में, बाद में जब ग्रीन रेगुलेशन इस देश के अंदर आया, बाद में ब्लू रेगुलेशन आया, उसके बाद इस देश में खाद्यान्न की उत्पादन बढ़ी नहीं बल्कि हम दूसरे देशों में निर्यात किए और भंडारण इतना किए कि हमारे पास इतना भंडार है कि हम 2-3 साल तक आराम से खाकर रह सकते हैं। और ये मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात, आप आपकी बात हम सुने, मेरी बात को जीतना पड़ेगा। तो इसलिए उस वक्त क्या था कि आप 50 क्विंटल माल रखिएगा, किसान भी अगर 10 क्विंटल माल रखेगा तो उसके यहाँ एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट का छापा पड़ेगा। देखिए ये पूरे कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का दुरुपयोग पदाधिकारी करते हैं, आप सबको ही जानते हैं, पूरे भ्रष्टाचार की नींव
में सारे अफसर इसी का फायदा उठाते हैं। काला बाजारी होती है तो काला बाजारी क्यों होती है? बड़ा व्यापारी करता है, किसान नहीं करता। किसान अगर आज उत्पादन करेगा और अपने घर में रखेगा 100 बोरा तो एसेंशियल कमोडिटी, 50 बोरा तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आएगा। हम झारखंड के संदर्भ में किसान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के संदर्भ की बात कर रहे हैं। यूपी में किसान अपने भंडार में अगर 50 बोरा रखेगा तो उसके अफसर पहुंचेंगे, पैसा मांगे किसान से, तो क्या वही कानून चले जो अंग्रेजों के जमाने से कानून चल रहा था? इसलिए सरकार ने सोचा इसको व्यापकता रखते हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने चले, रेड टेपिज्म को खत्म करते हुए प्रबंधन किया गया। कॉपर माइंस के ऐसे कई माइंस पड़े हुए हैं जिसके चलते बंद पड़े हुए हैं, जिससे रोजगार के सृजन बंद हो गए हैं, रोजगारी की शुरुआत पैदा हो गई है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण कि राज्य की सरकार लीज देने में आटा काम कर रही है। जबकि भारत की सरकार का उपक्रम है, वहाँ पर लोगों का रोजगार है, इस पूरे जिले के पड़ोसी जिले के वो अर्थव्यवस्था पर उस पर उनका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी सरकार और सरकार के मुखिया को गंभीरता नहीं है राज्य के विकास को। एक विषय में और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की बैठक में हम सब लोगों ने योजनाबद्ध ढंग से ये तय किया है कि सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं, विकास विरोधी जो नीतियां हैं, महिला विरोधी जो नीतियां हैं, किसान विरोधी जो नीतियां हैं, नौजवान विरोधी जो नीतियां, उनके खिलाफ हम सब संघर्ष करेंगे। और संघर्ष के लिए कार्यक्रमों की रचना भी हम सब लोग करने जा रहे हैं। 28 तारीख को उनका 1 साल पूरा हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी आरोप पत्र भी हम सब लोग लगाने वाले हैं। आरोप पत्र के माध्यम से राज्य की सरकार, वर्तमान राज्य सरकार और पूर्व की सरकार के विकास के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उन चीजों को हम आम जनता के बीच में ले आए। एक विषय और है, वो विषय है पूरे देश का है। कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस तो कुछ नाम की चीज नहीं, उसके समर्थन और विपक्ष प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है। कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, माँ बेटा बेटी की कंपनी। जो बुलान में मीटिंग किए है, क्या कहा है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को? कार्यकर्ताओं से यही विरोध नहीं है, दो एक राज्य को छोड़ दिया जाए तो कल यहाँ का किसान समर्थन में खड़ा, आप यहाँ पर रांची में और झारखंड में देख रहे हैं कौन उसका विरोध कर रहा है। यहाँ तो किसान संगठन ही कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब कुर्ता पजामा खाक खाक टाइट होकर के पहन के सब कांग्रेसी लोग विरोध कर रहा है। एक भी उसमें आप किसान को देखे है क्या? एक भी किसान का चेहरा उसमें है क्या? कभी किसान ने क्या, आप बताइए, राहुल जी को किसान और किसानियत जानते हैं क्या? खेत और खलिहान जानते हैं क्या? दलहन और तिलहन जानते हैं क्या?